हाथों की लकीरों में लिखा है जो तकदीरों में, जितना है लिखा वही पाते हैं। ये सब किस्मत की बातें हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल, कैसे हैं आप सब लोग? जी हाँ, आपने सही सोचा। आज की स्टोरी है किस्मत के ऊपर, कि सबसे चमकदार किस्मत हो तो इंसान सब कुछ हासिल कर सकता है। चलिए, आज की जो स्टोरी है वो मेरी बेस्ट फ्रेंड के ऊपर है। ये रियल स्टोरी है, मैं आपसे अपनी बेस्ट फ्रेंड की स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड थी हिमानी सबरवाल, उत्तराखंड देहरादून में रहती थी। हम पांच फ्रेंड्स का ग्रुप था और सभी फ्रेंड्स वेल क्वालिफाइड और अच्छी जॉब करती थी, और उसके साथ साथ सभी बेहद खूबसूरत थी, सभी सुंदर थी। पर उनमें से जो हिमानी सबरवाल थी वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्शन डल था उसका, और उसके फेस पे कुछ चेचक के दाग थे तो, और हल्के दांत बाहर निकले थे उसके, तो हम सब लोग उसको छेड़ते थे। हम कहते थे कि यार तेरे से शादी कौन करेगा, तुझे ऑफर कौन करेगा। हम सब फ्रेंड्स लोग छेड़ते थे उसको। चलिए, हम लोगों ने कॉलेज पास किया, उसके बाद सब लोग अपने अपने जॉब पे लग गए। जॉब पे लगने के बाद एक दिन हिमानी का फोन मुझे आता है कि जस तू मेरे पास आ, मुझे तुझसे एक बहुत ज़रूरी बात करनी है। तो स्कूल ओवर होने के बाद मेरे पास आई हो। मैं अपने जॉब से फ्री हुई, जॉब से फ्री होकर मैं उसे घर पहुंची, चाय वगैरह पी हम लोगों ने। उसके बाद उसने मुझे बताया कि उसको बहुत दिनों से एक लड़के का कॉल आ रहा है। तो मैंने कहा ऐसे किसी से बात करने की जरूरत नहीं है, तो उस लड़के को डांट दे और उसको मना कर दे। उसने कहा ठीक है। अब मेरा फर्ज था उसको समझाना, आगे उसकी लाइफ है, उसको जो अच्छा लगता वो वही करती। बट क्योंकि उसने उसको एक क्यूरियोसिटी थी कि मुझे भी किसी लड़के के कॉल आने हैं, मुझे भी कोई पसंद करता है, मुझसे भी कोई बात करना चाहता है। तो हमारे मना करने के बावजूद भी वो उससे बात करती गई। 2 महीने बीते, 3 महीने बीते, 4 महीने बीते। 4 महीने के बाद उसने फिर से मुझे कॉल किया, और अभी उसने हम सब फ्रेंड्स को कॉल किया। हम सब फ्रेंड लोग उसके घर गए, हमने दोबारा पूछा कि क्या बात है, तूने क्यों बुलाया हमारे को? तो वो बोली कि तुमसे मैंने एक बात छुपाई है, मैं उसी लड़के से बात कर रही हूँ, और बात करते हुए मुझे 4-5 महीने हो गए हैं। इवन मैंने अपने पापा को भी इस बात का बताया है, क्योंकि उसकी मदर नहीं थी, पापा को बताया है, पापा एग्री हैं। अब तुम सब लोग मेरे साथ चलो, मुझे उससे मिल के फेस टू फेस बात करनी है, क्योंकि अब तक वो उससे मिली नहीं थी, खाली फोन पे बात हो रही थी। हमने कहा ठीक है, जब तेरे पापा ने कह दिया तो ठीक है, हम सब लोग तेरे साथ चलते हैं। हम लोग गए, हम लोग उसको बिठा के हम लोग बाहर आके बैठ गए। वो बैठी, उसने बातचीत करी उसके साथ, और उसके बाद जब वो बाहर उठ के आई तो उसको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि वो देहरादून के FRI इंस्टीट्यूट में, जो कॉलेज है वहाँ पर, वो IAS का एग्ज़ाम देने के लिए आया था। वहाँ वो IAS की तैयारी कर रहा था, और राजस्थान के जो राजा हैं वो उनकी फैमिली से बिलोंग करता था, और काफ़ी अच्छा लड़का था और काफ़ी सिंसियर था। और सबसे बड़ी बात उसने बोला कि उसने मुझे बहुत पसंद किया है। उसने मुझे कहा है कि मैं तुम्हारी शक्ल से नहीं, मैंने तुम्हारे दिल से प्यार किया है, और तुम दिल की बहुत अच्छी हो और बहुत समझदार हो, मुझे तुम जैसे लाइफ पार्टनर की ही ज़रूरत है। ये सुन के हमें बहुत अच्छा लगा। उसके पापा को बताया, उसके पापा बहुत खुश हुए। तो उसके पापा ने बोला कि बेटा ऐसा है कि अगर वो एग्री है तो तुम लोग थोड़ा टाइम और लो, और उसके बाद तुम लोग मैरिज की बात करो।
एक महीना बाद चली और एक महीने के बाद हिमानी ने उससे मैरिज की बात करी। जब मैरिज की बात करी तो उसका जवाब ये था कि मैं यहाँ स्टडी करने के लिए आया हूँ आईएएस की, मेरे पेरेंट्स का ख्वाब है कि मैं आईएएस ऑफिसर बनूँ, तो अगर मैं मैरिज कर लेता हूँ तो मैं अपनी स्टडी कंप्लीट नहीं कर पाऊँगा, उतना कंसंट्रेट मैं अपनी स्टडी पे नहीं दे पाऊँगा, तो एटलीस्ट मुझे 6 साल लग जाएंगे अपनी स्टडी कंप्लीट करने में, तुम्हें 6 साल वेट करना पड़ेगा। जब ये बात हिमानी को पता चली और हिमानी के फादर को पता चली तो दोनों का बहुत मूड खराब हुआ और हिमानी के पापा ने हिमानी को मना कर दिया कि बेटा वो तुझसे प्यार नहीं कर रहा है, वो खाली तुझसे टाइम पास कर रहा है, इसके बाद तूने उससे बात नहीं करनी है, तुझे मेरी कसम होगी। हिमानी ने हम लोगों को बुलाया, बहुत रोई, बहुत अपसेट हुई, हमने उसको समझाया, एक इमोशनल सपोर्ट दिया हमने उसको, हम लोग उसके साथ रहे रात भर सारे फ्रेंड्स मिलके ताकि उसको थोड़ा हौसला मिले, समझाया उसको कि चलो कोई बात नहीं, एक ख्वाब था, एक सपना था जो टूट गया है, कोई बात नहीं, तू अपने आप को संभाल और तू अपनी जॉब पे कंसंट्रेट कर और अपनी जॉब पे ध्यान दे, अगर तू फ्री समझती है अपने आप को शाम को भी तो तू ट्यूशन स्टार्ट कर ले। उसने ऐसा ही किया, उसने अपने आप को अपनी जॉब में और इन्वॉल्व कर लिया, वो पूरी तरह से अपनी जॉब में इन्वॉल्व हो गई, धीरे धीरे उसने ट्यूशन स्टार्ट करी शाम की भी, वो ट्यूशन्स में बिजी हो गई और समय समय बीतता गया बीतता गया बीतता गया और उसने अपने आप को संभाल लिया। उसके बाद हम सब फ्रेंड्स की मैरिज हो गई, किसकी कहाँ किसी की कहाँ किसी की कहाँ, तो सबकी लाइफ में चेंजेस आते चले गए और सब फ्रेंड्स दूर दूर चले गए मैरिज के बाद। तो एक दिन छः साल के बाद ही हमारी फिर खाली फ़ोन पे बात होती थी क्योंकि वो भी बिज़ी होती थी, मैं भी बिज़ी होती थी और उसकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए, मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए, तो हमारी मुलाकात बहुत कम होती थी पर हमारी फ़ोन पे बात होती आती थी। तो उसने मेरे को सरप्राइज दिया, तो 6 साल के बाद वो कार्ड लेके आई मेरे पास अपनी मैरिज का और कहती है जस मेरी मैरिज है और तुम सबने ज़रूर आना है। हमने कहा ठीक है हम आएंगे। तो हम सब लोग जो हैं वो उसकी मैरिज पर पहुँचे, तो हमने क्या देखा कि उसके ड्राइंग रूम में बेडरूम में हर जगह उसके साथ एक ऐसा लड़का है जैसे हम जानते हैं कि वो लड़का कौन है, उसको हमने कहीं देखा हुआ है पर याद नहीं आना वो लड़का कौन है। हमने कहा यार इसको हमने कहीं देखा हुआ है, याद नहीं आना कहाँ देखा है हमने इसको। कहते याद करो ये कौन है। हमने कहा हमें याद नहीं आ रहा ये कौन है क्योंकि हमने उसको तो हल्के जल देख रही बस खाली, उसके बाद तो वही मिली उससे वही बात करके आई। तो उसने बोला कि ये संदीप है, ये वही संदीप है जिससे मैं मिलने गई थी FIR में। हम सब लोग शॉक हो गए, हमने कहा कि 6 साल के बाद दोबारा कॉल किया उसने, मतलब सच में ये रियल लव है कि वो लड़का 6 साल तक तेरी वेट करता रहा, 6 साल तक वो कहीं और इन्वॉल्व नहीं हुआ, एक IAS ऑफिसर, एक रॉयल पर्सन और एक हैंडसम लड़का, उसने अपनी लॉयल्टी दिखाई और उसने 6 साल के बाद उसको फिर से कॉल किया। उसने बताया हमें कि एक दिन रात को 11 बजे कॉल आया उसी नंबर से, क्योंकि उसने नंबर चेंज नहीं किया था, ना नंबर चेंज किया संदीप ने ना नंबर चेंज किया हिमानी ने। संदीप ने फ़ोन किया हिमानी को रात को 11 बजे, उसने फ़ोन उठाया, उसने बोला हेलो, उसने कहा हाय हिमानी। हाय हिमानी सुना तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे, उसके हाथ कांपने लगे, वो कुछ टाइम तक तो बोल ही नहीं पाई, उसे लगा वो एक सपना देख रही है।
फिर उसने बोला, संदीप ने वहाँ से दोबारा बोला, हिमानी तुम लाइन पे हो ना, तुम मुझे सुन रही हो? हिमानी रोती हुई आवाज़ में बोली कि हाँ मैं सुन रही हूँ, आखिरकार तुम्हें मेरी याद आई गई? संदीप ने बोला, याद तो वो करता है जो मैं भूला हूँ, मैं तुम्हें कभी नहीं भूला था, मैंने लाइफ में सिर्फ तुमसे प्यार किया था, किसी और से प्यार नहीं किया, और ना ही कोई मेरी लाइफ में आया, ना ही मैंने किसी को आने दिया। मैंने तुम्हें 6 साल कहा था कि 6 साल के बाद मैं तुमसे शादी करूंगा, अपना IAS का एग्ज़ाम देने के बाद, ऑफिसर बनने के बाद। अब मैंने IAS का एग्ज़ाम दिया, मैं ऑफिसर बन गया, मैंने अपने पेरेंट्स से तुम्हारे लिए बात करी, वो एग्री हैं, उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। अब तुम मुझे बताओ कि तुम कहीं इन्वॉल्व हो या तुम्हारी शादी हो चुकी है? हिमानी बोली, नहीं, मैंने भी खाली तुमसे ही प्यार किया था, उसके बाद मेरी लाइफ में कोई नहीं आया, ना ही मैंने किसी और को आने दिया। संदीप बोला, ठीक है, अगले हफ्ते मैं अपने पेरेंट्स को लेकर तुम्हारे घर आ रहा हूँ शादी की बात करने के लिए। जब यह बात हिमानी ने सुनी तो वो पागल हो गई। उसने रात को 12 बजे हम सब फ्रेंड्स को फ़ोन किया, और फ्रेंड्स को फ़ोन करके उसने हमें बताया, एटलीस्ट मुझे नहीं बताया क्योंकि मैं कहीं डिस्टर्ब थी, उसने सबको ये बात बता दी थी, मुझे नहीं बताई थी क्योंकि मैं कुछ प्रॉब्लम में थी इसलिए। चलिए, तो इस तरह से फिर नेक्स्ट डे संदीप पर ही आए, उन लोगों ने मैरिज की बात करी, मैरिज फिक्स हुई। तो इस तरह से उसने बताया हमें कि ऐसे करके 6 साल के बाद संदीप जो था वो वापस लौट के आया उसकी लाइफ में, और उनकी शादी हुई, और शादी होके वो अपने घर चली गई। तो कहते हैं ना कि ये सब किस्मत की बातें हैं, जितना लिखा होता है किस्मत में इंसान को वो मिलता है। देख लीजिए, दूसरा कि शक्ल से कोई सुंदर नहीं होता, किस्मत सुंदर होनी चाहिए, क्योंकि वो बेशक शक्ल से सुंदर नहीं थी पर उसकी किस्मत इतनी अच्छी थी कि उसको अपना प्यार वापस मिला। लॉयल प्यार था उसका, वफादार प्यार था उसका। और दूसरी बात है, वो एक प्रिंस के घर में गई, वो एक राजस्थानी राजे के घर में गई, और आज वो वहाँ पे खूब अच्छी ज़िंदगी बिता रही है, और उसके 2 बच्चे हैं बहुत प्यारे प्यारे से। तो इसलिए इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि किस्मत पर विश्वास करना चाहिए, और ये मत समझना चाहिए कि मैं सुंदर नहीं हूँ तो शायद मेरे साथ लाइफ में कुछ अच्छा नहीं होगा। नहीं, ऐसा नहीं है, इंसान की किस्मत अच्छी होनी चाहिए। तो चाहे इंसान बदसूरत भी है पर उसकी भी लाइफ चमक उठती है। तो इसी के साथ ही ये स्टोरी यहीं ख़त्म होती है। आज की तो रियल स्टोरी है, बट पिछली स्टोरीज मैंने जितनी बोली हैं सब एक स्टोरीज हैं, मन घड़त कहानियाँ हैं, और अगर किसी की लाइफ से वो स्टोरीज मैच करती हैं तो वो जस्ट एक कोइंसिडेंस है। प्लीज़ उसको दिल से मत लीजिएगा, और ये मैं समझेगा कि ये स्टोरी उनकी लाइफ से है। ओके जी, टिल देन बाय, सत श्री अकाल।